हेलो, मेरा नाम सानिका है और मैं पुणे से हूँ जी। यहाँ पर आए, इनकी खुद की सीट जमा इनसे खुद करवाई गई, इनको स्लिप मिली, इनको हॉस्टल स्लिप मिली, बराबर। ये अभी आपको वीडियो में दिखी हुई आएगी इनके नाम की स्लिप, इनका फीस सबमिशन हुआ है। मेरे साथ है तनुश्री फ्रॉम महाराष्ट्र। तनुश्री, आपकी सीट जमा हुई होगी तो आपको साथ यहाँ पे आपकी सीट सबमिट कराई गई, आपको स्लिप एंड हॉस्टल स्लिप दोनों मिली। अनुष्का फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड निक। आज मैं तहसील खड़ा इमानुल खान बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के पास और मेरे साथ है सानिका हसन फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा पिछले दो महीने का। हेलो, मेरा नाम सानिका है और मैं पुणे से हूँ। यहाँ के मुझे 2 महीने हो गए और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि जो भी हमें बताया गया था वो सब सही से चल रहा है यहाँ पे। जैसा कि सानिका, आपकी हमसे पहले और भी लोग आप सर्च कर रहे थे, आपकी बात हो रही थी, आपको बहुत सारे डाउट कंसर्न थे, तो आपके जो सारे सॉल्व हुए उस पर आप यहाँ पर आए, आपने उन्हीं के बच्चे दूसरे यहाँ पर देखे, तो आपको कुछ डिफरेंस लगा? हाँ सर, बहुत डिफरेंस लगा। जो आपने बोला था वो सारे मतलब हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। जैसा कि सानिका, आप पूरे महाराष्ट्र से हो और हम दिल्ली से हैं, राइट? तो बहुत सा कंसर्न रहता है कि दिल्ली में हो कि चीजें सही होगी नहीं होगी, और कुछ ना था गर्ल्स हो तो गर्ल्स और महाराष्ट्र में, उनकी आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की कंसल्टेंसी बेस्ट है। हम यहाँ आके हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस कंसल्टेंसी से, जो भी उन्होंने बताया था वो सब हमें अच्छे से मिल गया है यहाँ पे। जैसे कि सारे का आपकी जब फीस सबमिशन हुआ तो आप खुद साथ में गए थे बैंक में, आपका जो हॉस्टल का स्लिप आपको सारी चीज प्रोवाइड हुई? हाँ, हम सब साथ गए थे बैंक में और सब चीजें हमें सही मिल गई। जबकि दूसरे कंसल्टेंट जो आप बात कर रहे थे जिनसे एक्सपेरियंट हो भी हुआ, वो क्या कह रहे थे कि आपको उनकी फीस भाई ऑफिस में दे रही है उसके बाद आप कॉलेज जाओ, राइट? ऐसे ही कुछ था? हाँ सर, ऐसे ही था कुछ। तो आपने सुना कि आप इनसे बोला गया था कि आपकी फीस यहाँ पर आप जमा करोगे, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे तब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, जबकि ये बच्चे यहाँ पर आए, इनकी खुद की फीस जमा इनसे खुद करवाई गई, इनको स्लिप मिली, इनको हॉस्टल स्लिप मिली, बराबर। ये अभी आपको वीडियो में दिखी हुई आएगी इनके नाम की स्लिप, इनका फीस सबमिशन हुआ है। इस कॉलेज में आप पढ़ती है इमानुल खान बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज में की फीस है 283,500 रूबल और इसका हॉस्टल है 12,000 रूबल का। और एक चीज और, यूसीएल इंडिया एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक के 100 स्टूडेंट में से लगभग ऑलमोस्ट 76 स्टूडेंट हमारा ही है, राइट? यस सर। अच्छा सारे का, और भी जो अदर स्टूडेंट है, क्योंकि और भी लोगों ने स्टूडेंट आए, तो उनके साथ जब आपकी वार्तालाप हुई तो उनमें और आपने क्या डिस्टेंस लगा फील होने के? सर वो सारी चीजों से बहुत परेशान है यहाँ पे, क्योंकि जो उनको बताया था वो सही नहीं हो रहा यहाँ पे उनके साथ, तो ये। अच्छा सानिका, जैसे कि आप गर्ल्स हो तो वो जो गर्ल्स आना चाह रही है इनके लिए हॉस्टल का इशू रहता है कि हॉस्टल कैसा होगा, तो आपका हॉस्टल कैसा है उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस? यहाँ पे जो हॉस्टल आपने बताया था वो भी मिल गया है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्टल में यहाँ पे। आप एक रूम में कितने बच्चा रहती है? एक रूम में हमें 4 सीटर रूम मिली है। 4 सीटर मिली, ओके। तो आराम से चारों का आराम से काम चल जाता है, खाना पीना एंड ऑल सब उसी में हो जाता है, राइट? हाँ हो जाता है सब, भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडिया से जो और बच्चे 2024 में आने के हैं उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप ये यूनिवर्सिटी चूज करो और इसी कंसल्टेंसी को सपोर्ट करो। तो थम्स अप है कंपनी के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। मैं तहसील आज खड़ा हूँ इमानुल खान बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के पास और मेरे साथ है तनुश्री फ्रॉम महाराष्ट्र। और ऑलमोस्ट इनको लगभग 2 महीने आज हो चुके हैं यहाँ पर रशिया में आए हुए। आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस था। तनुश्री, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। मेरा नाम तनुश्री है, जब से आते आए थे तब से कोई दिक्कत तो नहीं हुई डीयर स्टूडेंट के, लाइक हेल्प कर रहे हैं वॉक और फैमिली के साथ प्रतिदिन कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं, तो कुछ दिक्कत। तनुश्री, जैसा कि आपका पापा से पहले बात हुआ स्टार्टिंग, राइट? उससे पहले आपकी और भी एजेंसी एंड कंसल्टेंट से बात हो रहा था पापा का, उसके बाद आपने हमको चूज किया, तो उसका आपको आपको चूज किया, आपका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है? आप इंडिया से रशिया आए, आपको कॉलेज चूज करा, आपकी सारी सीट वगैरह सबमिट करा, आपको स्लिप वगैरह दिलाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहूँगा? एशियन बहुत ज़्यादा ही कॉपरेटिव है और पेरेंट्स के साथ लाइक एकदम जब भी फ़ोन किया तब उठाते थे, तो इसलिए कभी कुछ लाइक डिफिकल्टी नहीं हुई है, किसी भी प्रोसेस में हमेशा हेल्प की है, तो कुछ दिक्कत नहीं। जैसा कि तनुश्री, आपकी फीस जमा हुई होगी तो आपको साथ लिया आपकी फीस सबमिट कराई गई, आपको स्लिप एंड हॉस्टल स्लिप दोनों मिली? हाँ सब साथ में किया गया था, हमें खुद बैंक में जाना पड़ा था और फिर हमारी साइन भी थी, तो सब हमारे सामने आए और स्विच भी नहीं है। जैसा कि आपने सुना, आप इमानुल खान बाल्टिक फेडरल में 100 सीटर ऑलमोस्ट, इसमें से 76 बच्चा हमारे ही है,
और हम हर बच्चे को साथ ले जाते हैं, उनका जो भी फीस सबमिशन है उनके साथ कराते हैं, उनको सारे स्लिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा तनुश्री, आपके साथ और भी क्लास में बच्चे होंगे, ओके हैंडेड चीजें तो और भी बच्चे आए होंगे, तो अदर कंसल्टेंट उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है कि उनकी फीस स्लिप उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, थोड़ा बताइए। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ पेरेंट्स आए हैं और उन्होंने बोला है कि उनको कुछ ज्यादा फीस बताई गई है कॉलेज की और हमें उसके कंपेयर में कम बताई है, तो हमने उनसे बात करी थी तो बोले कि आपके एजेंसी का नाम बताओ, आप इनसे हमारी बात करवा। तो ऐसा हो चुका है, दो तीन बार इंसिडेंस हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद है कि उनसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है जबकि फीस कॉलेज की है 283,500, उनको इससे एक्स्ट्रा लिया गया। हाँ। और आपका 283,500 उसके आपको से लेते हैं बराबर। हाँ। तो जो आने वाले बच्चे 2024 में या फिर जो आपके महाराष्ट्र से है उनके लिए आप मराठी में कुछ लाइन बोलेंगे कि आप कैसे चूज करें कॉलेज एंड ऑल, या हमारी कंसल्टेंसी पर आप कुछ रिव्यू दे रहे जाएंगे? इससे काहीच प्रॉब्लम नहीं आया है, कोणीपण समजा कोणची एजन्सी चूज करायची असेल तर ई एस एल बेस्ट ऑप्शन आहे। तर मग कोणी पण ज्याला यायचं आहे रशियामध्ये एम बी बी एस साठी तर ते येऊ शकतात, काहीच इथे काही प्रॉब्लेम नाही होणार आणि ई एस एल खूप कॉपरेटिव्ह आहे, तर तुमची खूप हेल्प होणार आणि सगळं जे आहे प्रोसेस ते तुमच्या समोर होणार आहे। कंपनी का थम्स अप आहे? हां थम्स अप, थँक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंडिंग, और आज हमें इमादुल करीम मराठी फेडरल यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के पास हमारे साथ है अनुष्का केसकर फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। इनको ऑलमोस्ट लगभग 2 महीने हो चुके हैं हुआ हुए, आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और इनका रिव्यू दें। हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र फ्रॉम पुणे। मैं आए हुए मुझे 2 महीने हो गए एंड आई एम फीलिंग बेटर ओवर हियर। जो कुछ कहा गया था वो सब सही से मिल गया है, और हॉस्टल यूनिवर्सिटी एवरीथिंग इज ऑन राइट। जैसा कि अनुष्का, आने से पहले आपके काफ़ी सारे डाउट्स एंड कंसर्न थे, आपने काफ़ी रिसर्च किया था कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या नहीं है, इसी से पहले तो बहुत सारे डाउट थे, तो आप यहाँ पर आए और जो इंडिया में आपको बोलेगा सब सेम लग रहा है, कुछ भी 1% डिफरेंस लग रहा था क्या? ऑब्वियसली आई वॉज सर्चिंग फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटी बट आई गॉट द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। आई वॉज थिंकिंग दैट द टीचर्स विल टीच इन इंग्लिश और नॉट, बट दे आर टीचिंग इन इंग्लिश and they also take a, they have a Russian language for us, so we can it's better to have a Russian language and to have a new language or to learn new language. तो जो भी उसे इंडिया ने आपसे कमिटमेंट किए थे, जो भी आपको वहाँ पे चीजें बताई थी वो सारी फुलफिल हुई है, उसमें कुछ चीजें डिफरेंस लगी? सारी चीजें फुलफिल हो गई है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रशियन लैंग्वेज की क्लासेस होती है, लैटिन की होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है, हम अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं, और हॉस्टल भी बहुत सही से है। यहाँ पे हॉस्टल में तो विदाउट स्कैन एंट्री नहीं होती है, गर्ल्स हॉस्टल में तो विदाउट स्कैन एंट्री नहीं होती है, सब कुछ सही से। अच्छा, जैसे कि अनुष्का और जो बच्चे महाराष्ट्र से आने को है पुणे से, उनके लिए मराठी में आप कुछ 2 लाइन कहना चाहेंगे क्या? हाँ, मराठीत मी सांगू शकते की मी एका चांगल्या युनिव्हर्सिटीत आले आणि एका चांगल्या कंपनी थ्रू आले तर मला भारी वाटतंय। इथं सगळं व्यवस्थित आहे आणि हॉस्टेल पण खूप चांगलं भेटलंय, हॉस्टेलमध्ये विदाउट स्कॅनिंग परमिशनच नसते, आणि बाकी सगळं युनिव्हर्सिटी पण खूप चांगली आहे, इथं टीचर्स सपोर्टिव्ह आहेत आणि ज्या कंपनी थ्रू मी आले ती पण भारी आहे, खूप मस्त आहे। तो थम्स अप आहे युनिव्हर्सिटी इंडिया के लिए कंपनी के लिए? थम्स अप, थँक्यू।